सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेट का इजलास तलब कर लिया है। सेनेट इजलास 5 मई सुबह 10:30 बजे होगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संदरानी इजलास की सदारत करेंगे। सेनेट इजलास में तौहीन पार्लियामेंट बिल पेश किए जाने का इम्कान है। इसी से मुतालिक वकार आपसे जानना चाहते हैं, सदर आरिफ अलवी की जानिब से सेनेट का इजलास भी तलब किया गया है। बिल्कुल, सदर आरिफ अलवी की जानिब से जो सेनेट का इजलास है वो 5 मई सुबह 10:30 बजे जो है वह तलब किया है। जो चेयरमैन सेनेट इस इजलास की सदारत करेंगे, लेकिन ये इजलास इस हवाले से भी अहम है क्योंकि आज ही जो कौमी असम्बली की इस्तेकाक कमेटी है उनकी जानिब से जो तोहीनी पार्लियामेंट बिल है उसकी एक मंजूरी जो है दी गई है, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि कल वो बिल जो है वो कौमी असम्बली इजलास में पेश कर दिया जाएगा। कानून की मंजूरी के लिए ज़रूरी है कि इसकी मंजूरी बाकायदा तौर पर सेनेट से भी ली जाए और इसके लिए ज़रूरी है कि सेनेट का इजलास जो है वो तलब किया जाए। सेनेट के इजलास में जो तौहीन पार्लियामेंट का जो बिल है वो मंजूर किए जाने का भी इम्कान है, क्योंकि इससे कबल भी जो बिल कौमी असम्बली से है उस पर हुकूमत की जानिब से यकमुश्त जो है उसको मंजूर कराने की इस्तदा की गई और जिस पर वोटिंग भी हुई है। वोटिंग के बाद जो आपने अपडेट किया।